नाजरीन, आज का वाकया बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक है। मेरा नाम आमना है। मेरी पैदाइश एक हिंदू घराने में हुई थी। मेरा बाप कट्टर हिंदू था, जबकि मेरी माँ एक ईसाई घराने से थी और ईशा को मानने वाली थी। ऐसे में मुझे जिंदगी के कई सालों तक इल्म ही ना हो सका कि मेरा खुदा कौन है, एक जानवर जो कि हर चीज के लिए हमारा मोहताज होता है, या फिर बाबा ईसा जो कि एक बेजान मुजस्सम और मूर्ति की सूरत में होते हैं। एक तरफ बाप का खुदा गायत थी, जिसको तीन वक्त का चारा पानी हम खुद दिया करते थे और फिर उसके बदबूदार गोबर और पेशाब को मुकद्दस समझा जाता था। मेरा बाप सारा दिन अपने खुदा की खिदमत और देखभाल करता और उसने अपने साथ दो मुलाजमत से अपने खुदाओं की खिदमत करवाता। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे बाप का खुदा एक गाय हुआ करती थी, जो कि चंद साल गुजरने के बाद खुद बखुदा और उसको उठाकर किसी दूर वैरान जगह पर फेंक आते, जहां गाय माता के वजूद को जंगली जानवर चीर फाड़ कर खा जाते। लेकिन वह अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। वह खुद को ना मरने से बचा सकती थी और ना ही जानवरों की खुराक बनने से। यहां तक कि छोटी छोटी चूंटियां भी, जब तक उसकी हड्डियों के साथ थोड़ा बहुत गोश्त रहता था, उसके जिस्म से अलग नहीं होती थी। दूसरी तरफ मेरा बाप दो चार चार दिन मरी हुई गाय माता का शोक मनाने के बाद एक नया और नस्ली खुदा ढूंढ कर ले आता था, जो उससे ज्यादा अरसे तक जिंदा रह सके, और यूं हमारे घर में एक नई गाय माता की आमद हो जाती थी। दूसरी तरफ मेरी माँ हजारों चीजें पका पका कर गुरु नानक के लिए ले जाया करती थी, उनकी मन्नत मांगा करती थी, उनकी नजर चढ़ाया करती थी। जब कभी वहां से चीजें गायब हो जाया करती तो मेरी माँ बहुत खुश होती। उनकी नजर हो गई और कभी कभी वह चीजें वहां झूकी तो पड़ी पड़ी सड़क खराब हो जाती। मेरी अम्मा यह सोचकर उदास हो जाती कि शायद बाबा गुरु नानक हमसे नाराज हैं। बाबा की नाराजगी अम्मा को परेशान कर देती और फिर अम्मा सब कुछ छोड़ छाड़ कर घोष नशीन हो जाया करती थी। जब तक अम्मा को बाबा की नाराजगी की वजह समझ नहीं आती थी, तब तक मेरी माँ दूसरा कोई काम नहीं करती थी। इन सब के दौरान बहुत बहुत उलझ कर रह जाती थी। मुझे इन खुदाओं के कुछ समझ नहीं आती थी। शायद अल्लाह ने मुझे हिदायत से नवाजना था, इसलिए शुरू से ही मुझे एक ऐसी उलझन में मुब्तला कर रखा था, जिससे मैंने रास्ता ढूंढ कर निकलना शुरू कर दिया और अपनी मुराद को पहुंचना था। इस उलझन से निकलने के लिए मैंने गौ माता और गुरु नानक की बहुत पूजा और तपस्या की, लेकिन इनमें से कोई भी मेरी उलझन को दूर ना कर सका, क्योंकि मेरी उलझन का हाल यहाँ नहीं था। फिर एक दिन मेरी मुलाकात फातिमा से हुई, हमारे मोहल्ले की एक मुसलमान घराने की बेटी थी। मेरे बाप को उनसे बहुत ज्यादा नफरत थी, इसलिए कि वह मुसलमान थे और मैं अपने बाप के डर की वजह से उनके घर कभी नहीं जाती थी। जब कभी वह स्कूल के लिए जाती तो रास्ते में हमारी मुलाकात हो जाती और थोड़ी ही देर बातचीत होती। कुछ दिन ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। एक दिन मुझे फातिमा अपने घर आने की दावत दे रही थी। यह सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई, क्योंकि मेरे अब्बा को उनके मुसलमान होने की वजह से उनसे नफरत थी, इसलिए मैं उसके घर जाने से डर गई। मैंने बोला, अच्छा ठीक है, मैं जरूर आपके घर आऊंगी। अगले दिन मैं सोचने लगी कि किस तरह इसके घर जाऊं। मैं अपनी अम्मा से झूठ बोलकर वहां से चली गई। मैं अपनी दोस्त सीमा के यहाँ जा रही हूँ। मेरी अम्मा ने मुझे कहा कि ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना। सीमा का बहाना करके फातिमा के घर चली गई। मैंने फातिमा की अम्मी से पूछा कि फातिमा कहाँ है। वह बोली, बेटा वो अपने कमरे में है। मैंने उसके कमरे का जरा सा पर्दा साइड पर करके देखा। उसने अपने कमरे के एक हिस्से को इंतहा नफासत से सजाया हुआ था और बेड के एक साइड पर खूबसूरत कलीन बिछाकर कुछ करने में मसरूफ थी। मैंने उसे एक दो आवाज दी, लेकिन उसने मेरी तरफ ना देखा और ना ही मेरी किसी बात का जवाब दिया। उसके ऐसे एटीट्यूड से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैंने पर्दा बराबर किया और बाहर फातिमा की अम्मी के पास बैठ गई। फातिमा की अम्मी बोली, बेटी आपका क्या नाम है और आप कौन हो? मैंने कहा, मेरा नाम पूजा है, मैं साथ वाले घर से आई हूँ। कुछ ही दिन हुए हैं मुझे आपकी बेटी से मुलाकात किए हुए, मुझे फातिमा ने घर आने का कहा था। इतने में कुछ देर बाद फातिमा कमरे से बाहर आई, मुझे कहने लगी कि मैं माफी चाहती हूँ, मैं आपकी आवाज का कोई जवाब नहीं दे सकी। दरअसल मैं नमाज पढ़ रही थी, इसलिए आपको कोई जवाब नहीं दे सकी। अगर मैं आपको जवाब देती या आपकी तरफ देख लेती तो मेरी नमाज टूट जाती। मैंने उससे पूछा कि तुम यह बताओ कि यह नमाज क्या है? कोई योगा वगैरह है जिसकी प्रैक्टिस है, मगर तुम तो मुझे अच्छी खासी स्मार्ट और स्लिम नजर आ रही हो, तुम्हें किसी योगा वगैरह की क्या जरूरत है? तुम यह सब कुछ क्या कर रही थी? फातिमा कहने ने लगी, नमाज को योगा या प्रैक्टिस नहीं कहते, बल्कि नमाज हमारी इबादत है। जैसे आप अपने खुदाओं की पूजा करते हो, उनको खुश करने के लिए मुख्तलिफ काम करते हो, वैसे ही हम अपने अल्लाह को राजी करने के लिए, उसकी खुसूदी हासिल करने के लिए नमाज पढ़ते हैं। नमाज हमारे दीन कातून है,
इसके बगैर हमारा दीन ना मुकम्मल है। हर मुसलमान दिन में 5 मर्तबा नमाज पढ़ता है, जिनकी अदायगी बहुत जरूरी है। पूजा किसी बुद्ध की कैफियत से उसकी बातें सुनती जा रही थी। जैसे ही वह खामोश हुई, वह जैसे होश की दुनिया में वापस आ गई और उसके दिल की हालत बदलती जा रही थी। मैंने कहा, क्या आप लोगों ने भी अपने कमरे के अंदर अपना खुदा रखा हुआ है, जिसके सामने बैठकर आप लोग नमाज पढ़ते हैं? बोली, नहीं, हम जहां पर जाएं बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा खुदा हर जगह पर मौजूद होता है। उसकी इतनी बातें सुनकर वह उठकर अपने घर वापस आ गई। रात भर सोचती रही कि फातिमा 5 वक्त की नमाज कैसे पढ़ती है, क्या एक साथ पढ़ती है या वक्फ वक्फा से पढ़ती है। उसको इन सवालों ने बहुत ही बेचैन कर रखा था। दूसरे दिन उसने फिर अपनी अम्मा से बहाना बनाया और बोली, मैं अपनी दोस्त सीमा के घर जा रही हूँ। उसकी अम्मी बोली, बेटा ठीक है, पर जल्दी आ जाना। मैं फिर से फातिमा के घर चली गई। वहां जाकर मैंने फातिमा की अम्मी को देखा, जिसने खुद को मुकम्मल पर्दे में छुपाया हुआ था। यहाँ तक कि उसके हाथ नाखों तक नजर नहीं आ रहे थे। मैंने फातिमा से पूछा, आपकी अम्मी इस तरह के कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हैं? फातिमा बोली कि मेरी अम्मी बाजार से कुछ घर का सामान लेने के लिए जा रही हैं। मैंने पूछा, लेकिन आपकी अम्मी ने अपने आप को इस तरह पर्दे में क्यों छुपाया हुआ है? फातिमा बोली, मेरी अम्मी नहीं, बल्कि हम सबको अल्लाह पाक ने पर्दे का हुक्म फरमाया है। जब भी मुसलमान औरतें घर से बाहर जाएं तो अपने आप को पर्दे में रखें, ताकि हम पर किसी गैर महरम की नजर ना पड़े। मुझे फातिमा की बातें उसकी इबादत बहुत अच्छी लगने लगी। मैं उसकी तरफ मायल होती गई और मुझे उसकी आदत सी हो गई। मैं रोजाना उसके घर झूठ बोलकर जाया करती थी। एक दिन जब मैंने देखा तो फातिमा अपने हाथों में एक मोटी सी किताब लेकर पढ़ रही थी। मैंने उससे पूछा कि यह कौन सी किताब है जिसे आप इतने अदब से लेकर पढ़ रही हो? फातिमा बोली, यह हमारे अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर नाजिल फरमाई है, जिसे हम सुबह शाम पढ़ते हैं, जिसको पढ़कर हमें सुकून हासिल होता है। हमारे दिल की हर मुराद पूरी होती है। हमारी सुबह का आगाज ही इस कुरान मजीद से शुरू होता है। हम सुबह की नमाज पढ़ने के बाद फौरन इसके बाद तिलावत करते हैं और अपने अल्लाह से जो दुआ मांगते हैं कबूल हो जाती है। मैं फातिमा की बातों को बहुत तवज्जो और ध्यान से सुनती रही। फिर मैंने फातिमा को कहा, क्या मैं इस किताब को पढ़ सकती हूँ? फातिमा बोली, जी हाँ, क्यों नहीं, आप जब चाहे मेरे साथ बैठकर पढ़ सकती हैं, लेकिन मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। ना जाने किस तरह की किताब थी, मैंने जिंदगी में पहली बार वह किताब देखी थी। मुझे फातिमा को देखकर वह किताब पढ़ने का बहुत शौक हुआ। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं कल से तुम्हारे घर रोज जाया करूंगी और तुम मुझे यह किताब पढ़ाना सिखा देना। जैसे ही मैं दूसरे दिन उसके घर पर गई तो मैंने बड़े शौक से बोला कि मुझे जल्दी से वह किताब दो, मैंने पढ़नी है। फातिमा बोली, मैं ऐसे कैसे आपको वह किताब पकड़ा सकती हूँ? जब तक आप वजू ना कर लो, उसका बहुत ही अदब और एहतराम है। इसके वसीले से तो यह दुनिया कायम है। वजू का नाम सुनते ही मैं हैरान रह गई। वजू? कैसा वजू? वजू किस तरह करते हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं। फातिमा ने एक बर्तन में पानी लिया और मुझे वजू का तरीका सिखाने लगी। जैसे ही हमने वजू मुकम्मल किया तो फातिमा ने मेरे हाथ पर वह कुरान मजीद रखा। जैसे ही कुरान मजीद खोला, मुझे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ाई तो उसको पढ़ते ही मेरी आंखों में आंसू जारी हो गए। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे ऊपर से बहुत भारी बोझ खत्म हुआ हो। मुझे बहुत राहत और तस्कीन मिली। मैंने घर आते ही आर्टिकल किताबें और ऐसी वीडियो सब फेंक दी और कुरान मजीद को एक तरफ अपने दिल में छुपा कर रख लिया। मेरे शौक और जज्बे की वजह से मैंने बहुत जल्द कुरान मजीद को मुकम्मल कर लिया और मैं खुशी खुशी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। मैंने मुकम्मल नमाज और कुरान मजीद का तरीका भी सीख लिया था, लेकिन इस बात का इलम मेरे घर वालों को अभी तक नहीं हो सका था। मेरे दिल में हर वक्त यही खौफ रहता कि जिस दिन मेरे अब्बा को पता चलेगा तो वह मुझे जान से मार डालेंगे। मैं अपने ही घर में अपने ही माँ बाप से चोरी छुपकर नमाज पढ़ा करती थी। यूं ही वक्त गुजरता रहा। एक दिन मेरे घर में मेरी शादी की बातें होना शुरू हो गई। मेरे माँ बाप ने मुझसे शादी की रजामंदी पूछी। अगर बेटी तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो हमें बता दो, हम तुम्हारी शादी वहीं करेंगे। लेकिन कोई उनको कैसे समझा सकता था कि मैं तो मुसलमान हूँ, इसीलिए मुझे अब हिंदुओं में शादी नहीं करनी, बल्कि एक मुसलमान लड़के से करनी है। लेकिन मैं चाहते हुए भी अपने माँ बाप को कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि मेरे माँ बाप को मुसलमानों से सख्त नफरत थी। मैं सिर्फ इस नफरत के खौफ की वजह से कुछ ना बता सकी। शायद बताती तो वो मुझे कत्ल कर देते। मैं हर वक्त बस अपने अल्लाह से दुआएं करती रहती। ऐ अल्लाह, अब मेरे हक में जो भी फैसला करना वो तूने ही करना है। मैंने अपने माँ बाप को इजाजत दे दी, आप जहाँ चाहे मेरी शादी कर दें, मुझे इस बात से कोई तराज नहीं। मेरे माँ बाप ने अपने दोस्त के बेटे राजू से मेरी शादी तय कर दी। शादी का सुनकर मैं फौरन अपनी दोस्त फातिमा के घर चली गई और उसे जाकर सारा वाकया सुनाया।
फातिमा और उसकी अम्मी मुझे समझाने लगी कि बेटा परेशान ना हो, अब जब तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है तो अब तुम्हें अल्लाह के सिवा किसी से डरने की जरूरत नहीं। फातिमा की माँ ने मुझे एक खूबसूरत गिलाफ में कुरान मजीद तोहफे में दिया और बोली, बेटा यह तुम अपने पास रख लो, अपने घर पर लेकर जाना। तुम पर जब भी कोई मुसीबत आएगी इसे पढ़ना तो अल्लाह से दुआ करना, तुम्हारे लिए अल्लाह पाक बेह करेगा। कुरान मजीद में छुपा कर अपने साथ घर ले आई। कुछ दिन बाद मेरी शादी हो गई और मैं रुखसत होकर अपने शौहर के घर चली गई। मेरा शौहर तो बहुत अच्छा था, लेकिन वह भी मेरे बाप की तरह मुसलमानों से बहुत नफरत करता था। मेरा शौहर जब भी काम पर जाता तो मैं पीछे से छुपकर कुरान मजीद पढ़ती और अल्लाह से यही दुआ करती, अल्लाह पाक मेरे शौहर भी मेरी तरह मुसलमान हो जाए। मैंने एक दिन अपने शौहर से बोला कि आपको एक बात बोलूं, आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? वो बोले, हाँ बोलो, क्या बात है? मैंने कहा, अगर हम दोनों पति पत्नी मुसलमान होते तो आपको कैसा लगता? यह बात सुनते हुए वह गुस्से से लाल पीले हो गए। गुस्से में बोले, अगर मैंने दोबारा तुम्हारे मुंह से इस तरह की बात सुनी तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। हालांकि मैंने यह बात सिर्फ उनका दिल देखने के लिए की थी। शौहर का जवाब सुनकर मेरी तो रूह ही कांप गई और सारी रात अल्लाह के आगे बैठकर रोती रही और सोचती रही कि पता नहीं यह कभी मुसलमान होगा भी या नहीं। अब वह हर वक्त डरने लगी कि जब मेरे शौहर को यह बात मालूम होगी कि उसकी बीवी मुसलमान है तो मेरे शौहर की कैसी कैफियत होगी। वक्त गुजरता गया और एक दिन उसका शौहर काम से जल्दी घर आ गया। जब वह घर में दाखिल हुआ तो उस दिन सामने देखा उसकी बीवी नमाज पढ़ रही थी। पहले तो उसे अपनी बीवी को देखकर बहुत गुस्सा आया। उसका दिल कर रहा था कि वह अपनी बीवी को जमीन में जिंदा गाड़ दे। वह एकदम अपनी बीवी को देखकर नमाज पढ़ता हुआ बाहर दरवाजे के पीछे छुप गया और चुपचाप अपनी बीवी को देखता रहा। जैसे ही उसकी नमाज मुकम्मल हुई उसका शौहर अंदर आ गया और उसने अपनी बीवी को ऐसा महसूस करवाया जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। अब वह अपनी बीवी पर नजर रखना शुरू हो गया कि मेरी बीवी कब और किस वक्त नमाज पढ़ती है ताकि मैं इसे मार सकूं। एक दिन उसका शौहर काली माता के मंदिर पर गया, वहां पर से एक सांप को बंद करके ले आया, अपने साथ घर में ले आया और अपनी बीवी से छुपाकर घर में कहीं संभाल के रख दिया। जैसे ही रात हुई वह दोनों मियां बीवी सो गए। सुबह हुई तो उसकी बीवी वजू करके फजर की नमाज पढ़ने लगी। उसका शौहर भी उठ गया और उसे छुपकर देखने लगा। जैसे ही उसकी बीवी नमाज के लिए सजदे में गई तो उसका शौहर फौरन सांप के पठारी खोलकर उससे सांप निकालकर बीवी की तरफ भेज दिया। वह सांप सीधा जाकर उसकी बीवी के पांव के ऊपर चढ़ गया और आहिस्ता आहिस्ता उसके पूरे बदन के ऊपर सांप चलने लगा, हत्ता कि सांप उसके कंधों के ऊपर आ गया, फिर उसकी गर्दन के इर्द गिर्द घूमने लगा। जैसे ही वह सजदे में गई तो वह सांप एक जगह होकर बैठ गया। जब उसके शौहर ने यह सब देखा तो वह देखकर हैरान था। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि यह सांप कर क्या रहा है। यह सोच रहा था कि सांप तो मेरी बीवी को डस नहीं रहा। जैसे ही उसकी बीवी सजदे में गई उसने एक डंडा पकड़ा और अपनी बीवी को मारने लगा। यह सांप सब कुछ देख रहा था। जैसे ही वह मारने के लिए आगे बढ़ा तो फौरन ही उस सांप ने उसको डस लिया। उसके शौहर को जैसे ही सांप ने डसा तो डस कर चला गया। उसका शौहर सांप के डसने की वजह से चीखने और चिल्लाने लगा, जोर जोर से अपने भगवान को पुकारने लगा और वहीं मर गया। उसकी बीवी ने जैसे ही नमाज मुकम्मल की सलाम फेरते ही वह तड़पने लगी और अपने अल्लाह से रो रो कर फरियाद करने लगी, ए अल्लाह मेरे शौहर की जान को बख्श दे। मैं अल्लाह पाक के आगे सजदे में सर रखकर रोती रही, फरियाद करती रही कि ऐ अल्लाह मेरे शौहर की जान बख्श दे। तू अपने बंदों को मायूस नहीं होने देता तो तू वहां से रास्ता निकालता है जहां से किसी का वहम और गुमान भी नहीं होता। तू यहां से परेशानी का हल निकाल सकता है, परेशानी के बाद आसानियां पैदा करता है। ए अल्लाह जिंदगी और मौत तो तेरे हाथ में है, मेरा तो अभी इम्तिहान शुरू ही हुआ हुआ था, तूने खत्म भी कर डाला। मैं तो तुझे हर वक्त दुआ में यही कहती थी कि मेरे शौहर को मुसलमान कर दे, लेकिन तूने तो उसकी जान ही ले ली। सांप के डसने की वजह से उसका शौहर का सारा जिस्म काला और नीला पड़ चुका था, सांप का जहर इसके सारे जिस्म में फैल चुका था और वह मर गया था। उसकी बीवी अपने अल्लाह के सामने रोती रही और अपने शौहर की जिंदगी की दुआएं मांगने लगी, ए अल्लाह तुझे वास्ता है तेरे महबूब का, मेरे शौहर की जिंदगी को बख्श दे। ए अल्लाह तुझे वास्ता है, बीबी फातिमा की चादर का मेरे शौहर की जिंदगी को बख्श दे। तुझे वास्ता है करबला की खाक का, तुझे वास्ता है कुरान पाक का, तुझे वास्ता है सूरत यासीन का, तुझे वास्ता है तेरे रब्बे करीम होने का, मेरे शौहर की जिंदगी बख्श दे। ए अल्लाह अगर तूने मुझे अपने इस्लाम में दाखिल किया तो मेरे साथ मेरे शौहर को भी दाखिल कर। मैं तो तुझसे हमेशा सिर्फ यही दुआएं मांगती थी, लेकिन तूने तो मेरा शौहर ही छीन लिया। ए अल्लाह
अगर तुझे मेरा मुसलमान होने वाला अमल पसंद है तो तुझे इस अमल के वास्ते मेरे शौहर को मुझे वापस करना होगा। जब इसने इस तरह अल्लाह से दुआ मांगी तो अल्लाह को उसकी दुआ पसंद आ गई तो अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। इतने में उसे अपने कमरे में किसी के आने की आवाज महसूस हुई। उसने जैसे ही फौरन सजदे से सर उठाया तो फिर वही काला नाग उसके शौहर का जहर पीने लगा। उसकी बीवी यह मंजर अपनी आंखों से देख देखती रही। जैसे ही इस काले नाग ने जहर पिया तो वह वहां से चला गया और उसका शौहर उठकर बैठ गया। उसकी बीवी अपने शौहर को जिंदा देखकर फिर सजदे में गिर गई। जारो केतार रोने लगी, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी, अल्लाह ने मेरे शौहर की जान बख्श दी। यह मंजर देखकर उसका शौहर भी इसके साथ फौरन सजदे में गिर गया। यही अल्लाह की कुदरत थी। एक लम्हे के लिए उसका शौहर इस दुनिया से रुखसत हो गया और अगले ही लम्हे उसका शौहर देखते देखते जिंदा हो गया। मेरे शौहर के लिए यह एक चमत्कार था। उसको मालूम था यह चमत्कार करने वाला कोई बाबा नहीं, कोई देवता या गाय या माता नहीं, बल्कि यह सब करने वाला मेरा रब था, मेरा अल्लाह था, जो हर चीज पर कादिर है। वह मेरा अल्लाह है जिसके हुक्म से कायनात की हर चीज चलती है। वह तो कादिर है, वही है जो हवाओं के रुख भी बदल देता है। फिर उसके लिए सांप का रुख बदलना कौन सा मुश्किल काम था। फिर उसके शौहर ने अपनी बीवी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि मुझे भी इस रब का कलमा पढ़ा दो जिसने मुझे मौत के बाद दोबारा जिंदा किया, जो मेरी आंखों के सामने जीता जागता मौजा है। उसकी बीवी ने अपने शौहर को कलमा पढ़ाया और उसका नाम मोहम्मद रखा और कहने लगी कि मेरा नाम आमिना है। तुम आज से मुझे आमिना कहकर पुकारोगे। अल्लाह ने उन्हें हिदायत दे दी। इसके बाद इसने सबके सामने अपना इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया और बाकी की सारी जिंदगी इसने बीवी के साथ मुसलमान बनकर गुजारी। सुभान अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, हमारा रब एक है और हमें इसी की इबादत करनी चाहिए, इसी के आगे सजदा करना चाहिए। आज भी दुनिया में बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिन्होंने अपने घर से छुपकर इस्लाम कबूल किया। नाजरीन, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए। शुक्रिया।